हाय दोस्तों, मेरा नाम है करण और मैं आज आपको बताऊंगा चार ऐसे पहेलियों के बारे में जिसके बारे में आपने शायद ही कहीं सुना होगा। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए चलते हैं उन चार पहेलियों की तरफ जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी ये रही आपकी पहली पहेली। तुम न बुलाओ मैं आ जाऊंगी, न भाड़ा न किराया दूंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, पकड़ न मुझको तू पाओगे, मेरे बिन तू रह न पाओगे, बताओ मैं कौन हूँ। ये बताने के लिए आपके पास 10 सेकेंड्स है। वो है हवा जो हमें दिखाई नहीं देती और हर कमरे में रहती है, और वो ही है जिसके बिना हम नहीं जी सकते। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए चलते हैं अगली पहेली की ओर। तो यह रही आपकी अगली पहेली। गर्मी में तुम मुझको खाते, मुझको पीना हरदम साथे, मुझसे प्यार बहुत करते हो, पर बाप बनूं तो डरते भी हो। वो क्या है ये बताने के लिए आपके पास 10 सेकेंड्स है। जल्दी कीजिए। इसका आंसर है पानी, क्योंकि गर्मी में उसे खाते हैं और हमेशा उसे चाहते हैं और उससे प्यार भी करते हैं, क्योंकि वो हमारा जीवन है, इसीलिए इसका आंसर है पानी। तो मुझे एक व्यूवर ने कमेंट किया था कि आप बोलते हो जल्दी से आंसर दीजिए, तो वो आंसर कहाँ पे दे। तो वो सीधी सी बात है, आपके पास देने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है कमेंट का। तो आप कमेंट करके उसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो फिर से ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए चलते हैं अगली पहेली की ओर। तो यह रही आपकी अगली पहेली। मुझ में बाहर सदा ही रहता, जगह घेरना मुझको आता, हर वस्तु से गहरा रिश्ता, हर जगह में पाया जाता, बताओ वो क्या है। और ये भी आपको 10 सेकेंड में ही बताना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वो वस्तु है हवा, क्योंकि हवा में ही ज़्यादा भार रहता है और वो बहुत सारी जगह भी घेरता है, वो है हवा। ये इसका आंसर है। तो एक बार फिर से ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए चलते हैं अगली पहेली की ओर। और ये है आज की सबसे अच्छी पहेली। आपको तो अच्छी लगे वो तो मुझे बताना ही, लेकिन मुझे ये पहेली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये पहेली का जवाब मैं भी बहुत मुश्किल से ढूंढा हूँ, इसीलिए ये मुझे अच्छी लगती है। तो यह रही वो पहेली। ऊपर से नीचे बहता हूँ, हर बर्तन को अपनाता हूँ, देखो मुझको गिरा न देना, वरना कठिन हो जाएगा भरना, बोलो वो क्या है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसका आंसर है द्रव्य, क्योंकि द्रव्य ही वो चीज है जो कि गिर जाए तो उसे भरना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से नीचे तक बहता भी है और हर बर्तन में आ भी जाता है, इसीलिए उसे गिराए तो बस वो एक जगह पे वापस भरना बहुत मुश्किल होता है।
तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए वापस से चलते अगली पहेली पर। तो ये रही आपकी अगली पहेली। लोहा खींचू ऐसी ताकत है, पर रबर मुझे हराता है। खोई सुई मैं पा लेता हूँ, मेरा खेल ही निराला है। बताओ वो क्या है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वो है चुंबक, क्योंकि चुंबक ही ऐसी चीज है जो लोहे को खींच सकती है पर रबर को नहीं, इसीलिए इसका आंसर है चुंबक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और मेरे चैनल को ऐसे ही अगर वीडियो आपको देखनी है तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। थैंक यू। एंड चार की जगह पांच पहेलियाँ हो गई लेकिन बता ही नहीं चला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।